हेलो डॉक्टर्स, मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता है और मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं आपको नीट पीजी एग्ज़ाम के बारे में आज कुछ बताने जा रहा हूँ। मैंने नीट पीजी एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं कि उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें, कैसे समझना चाहिए हमें, उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन कोई भी मुझे वीडियो इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगी जो स्टूडेंट्स के लिए किसी भी तरह से बेनिफिशियल, पूरी तरह से बेनिफिशियल मुझे कोई भी वीडियो नहीं लगी। नीट पीजी एग्ज़ाम 7 जनवरी को आने वाला है और 31 जनवरी तक उसके रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। तो अब देखा जाए तो हमारे पास आखिरी के 1.5-2 महीने बचे हैं जिसमें हमें तैयारी करनी है। अब आप ये कहेंगे कि मैं आपको ऐसी वीडियो में, अपनी वीडियो में ऐसा क्या खास बता दूंगा जो बाकी लोग आपको नहीं बता पा रहे हैं। देखिए, जिन्होंने भी ये वीडियोज़ बनाई हैं या जो भी लोग आपको गाइड कर रहे हैं एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, वो बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स होंगे। लेकिन एक चीज़ जो उनमें कॉमन है वो ये है कि वे सभी 2011 से पहले पास आउट हो चुके हैं और नीट पीजी एग्ज़ाम जो है वो 2011-12 में इंट्रोड्यूस किया गया था। मेरा पहला बैच था जिसने नीट पीजी एग्ज़ाम दिया था। तो जितना बेहतर आपको मैं बता सकता हूँ नीट पीजी के बारे में, शायद उतना बेहतर कोई और ना बता पाए, क्योंकि मैं उस एग्ज़ाम को खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, खुद उस एग्ज़ाम में टॉपर रह चुका हूँ। तो जितना अच्छा आपको मैं बता दूंगा और जो बातें मैं बताऊंगा आपको बाकी वीडियोस में देखने को नहीं मिलेंगी। और आपने ये मेरी कुछ मिनट की वीडियो देखी तो आपके आने वाले बहुत से दिन बच जाएंगे और आपका आने वाला बहुत सा समय इफ़ेक्टिव वे में यूटिलाइज होने लगेगा। तो नीट पीजी एग्ज़ाम जो है, अब हमारे पास सिर्फ 1.5-2 महीने बचे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहीं जूनियर रेजिडेंसी कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहीं मेडिकल ऑफिसर की जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पोस्ट इंटर्न होंगे और घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, सभी कैटेगरी के लोगों के लिए है। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है, कुछ लोगों ने ठीक ठीक तैयारी कर रखी है, कुछ लोगों ने उतनी तैयारी करी जितना उनको समय मिल पाया क्योंकि वो साथ में काम भी कर रहे थे। अब आप आखिरी के 2 महीने में क्या करें कि आपकी रैंक अच्छे से अच्छी आए, ऐसा जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपने क्रिकेट का मैच अक्सर देखा है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम क्रिकेट का मैच देख रहे होते हैं, हम कई बार टारगेट प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते। हम ये कहते हैं कि भाई आज तो 200-225 रन ही बन पाएंगे, एवरेज स्कोर चल रहा है 4-5 का रन रेट चल रहा है। लेकिन जब आप 35-40 ओवर के बाद क्रिकेट के मैच को देखना शुरू करते हैं, मैच अचानक एक टर्न लेता है, चौके छक्कों की बरसात होने लगती है और जो टारगेट आप 225 तक का एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 350-450 तक पहुँच जाता है। ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो सकता है। अभी आप सोच रहे हैं मेरी तो एवरेज प्रिपरेटरी स्टेज चल रही है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो यही सोचते हैं कि मेरी एवरेज प्रिपरेटरी स्टेज चल रही है, क्योंकि बहुत हम में से अधिकांश से लोगों ने एवरेज तैयारी करी होती है। आखिरी का जो टाइम है, जो 1.5-2 महीने का टाइम हमारे पास बचा है, हम उसमें ऐसा क्या करें कि हमारी रैंक एकदम से ऊपर हो जाए और जो हमने पहले मेहनत करी हुई है वो भी यूटिलाइज हो जाए। इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि नीट पीजी का सिलेबस क्या है। अगर आपने अभी तक नीट पीजी की साइट पे जाकर उसका करिकुलम डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ उस करिकुलम को डाउनलोड करें। आप गूगल पे सर्च बार में डाल सकते हैं नीट पीजी 2018 सिलेबस, आपको एक 105 पेज का पीडीएफ मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करके आपको 105 पेज नहीं पढ़ने हैं, आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको हर सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स उन्होंने एनलिस्ट किए हुए हैं वो आपको देखने हैं। फॉर एग्जांपल, फिजियोलॉजी में उन्होंने ईसीजी के साथ साथ ईएमजी भी लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमायोग्राम। पहले ईसीजी पे क्वेश्चन आता था, सब ईसीजी अच्छे से पढ़ के जाते थे, फिर ईईजी पे एक बार क्वेश्चन आया, बहुत लोग बहुत परेशान हुए ये क्या पूछ लिया गया, फिर बाद में हो सकता है इलेक्ट्रोमायोग्राम पे भी क्वेश्चन आ जाए। लेकिन ये आपको पता कैसे चलेगा? ये आपको पता तभी चलेगा जब आप सिलेबस में दिए गए टॉपिक्स की लिस्ट को एक एक करके देख लेंगे।
इसको देखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट का समय लगेगा, हद से हद 20 मिनट लग सकते हैं। लेकिन अगर आपने 20 मिनट स्पेंड कर दिए तो आपकी प्रिपरेशन 20 गुना बढ़ जाएगी और आपके आने वाले 20 दिन बच जाएंगे। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने अब तक नहीं किया है तो आप उसको कर लें। अब एक बार सिलेबस हमने समझ लिया तो हम अब तैयारी कैसे करें। देखो नीट पीजी में हमारे 19 सब्जेक्ट हैं, ये हम जानते हैं। 19 सब्जेक्ट सुनने में बहुत ज़्यादा लगते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम उन्हें क्लासीफाई करके पढ़ेंगे। सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन आपको मोस्टली पता है, लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ मैंने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम शॉर्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं। शॉर्ट सब्जेक्ट आपके 8 हैं, बेसिक साइंस के सब्जेक्ट 6 हैं और लॉन्ग सब्जेक्ट्स यानी ये मेजर सब्जेक्ट्स आपके 5 हैं। तो टोटल 8 और 6 14 और 5 19 सब्जेक्ट्स हैं। अब मैं आपको शॉर्ट सब्जेक्ट की लिस्ट दिखाने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखें। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। डर्मेटोलॉजी, ENT, IE ऑफ्थेल्मोलॉजी, एनेस्थीसिया, ऑर्थोपेडिक्स, रेडियो में रेडियोथेरेपी और रेडियोलॉजी दोनों हैं, साइकेट्री और फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। एक बात आप गांठ बांध लें कि नीट पीजी में 300 क्वेश्चंस हैं और किसी भी सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन से कम तो हैं ही नहीं। यानी कि अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो 10 क्वेश्चन के हिसाब से तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो पहले आप शॉर्ट सब्जेक्ट की जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई, आप शॉर्ट सब्जेक्ट्स को पहले प्रिपेयर करें। शॉर्ट सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का एक तरीका होता है। पहली बात तो आप ये बात गांठ बांध लें कि एक दिन में अगर आप 12 घंटे पढ़ते हैं, तो आपको 2 शॉर्ट सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। यानी कि एक शॉर्ट सब्जेक्ट के लिए 6 घंटे से ज़्यादा इस टाइम पे नहीं देने हैं। वो पॉसिबल कैसे हो सकता है? वो पॉसिबल इस तरह से हो सकता है कि अगर आपने पिछले 5 साल के क्वेश्चंस पेपर देखे हुए हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इसमें किस किस टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्थोपेडिक्स में ऑन्कोलॉजी और ट्रॉमा से आपके हमेशा सवाल पूछे जाएंगे, तो आप ऑन्कोलॉजी और ट्रॉमा एक बार पहले पढ़ के ख़त्म कर लें। डर्मेटोलॉजी में आपको टाइप ऑफ लीजन और उसका साइट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आपकी आधी डर्मेटोलॉजी तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। फॉरेंसिक मेडिसिन में आपके फायर आर्म वेपन्स पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले एम्स के एग्जाम में लॉ और सेक्शन पे भी क्वेश्चन पूछे जाते थे जो कि अब इतने कॉमन नहीं है। तो इन सब्जेक्ट्स को आप 6 घंटे से ज़्यादा एक सब्जेक्ट को ना लें। आपके 8 सब्जेक्ट हैं, अगर आप 12 घंटे दिन में पढ़ पा रहे हैं तो हद से हद भी 4 या 5 दिन में आपके शॉर्ट सब्जेक्ट ख़त्म हो जाने चाहिए। अब आप ये देखिए कि अगर आप लॉन्ग सब्जेक्ट में घुसे रहते तो क्या होता। आपने 5 दिन में 8 सब्जेक्ट निपटा दिए तो इसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड को बेवकूफ़ बनाना। सबकॉन्शियस माइंड को एक इंटेलिजेंट वे में आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। कैसे? आपके 19 सब्जेक्ट हैं, आपने 19 में से 8 निपटा दिए, इसका मतलब क्या हुआ? ब्रेन को ये मैसेज मिला कि मैंने नियरली अबाउट 40-50% सिलेबस ख़त्म कर दिया है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? अगर आप करके देखेंगे इसको, जब प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आपको और बेहतर समझ में आएगी। अब हम बात करते हैं दूसरा शॉर्ट सब्जेक्ट के बाद बेसिक साइंस के सब्जेक्ट की। बेसिक साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। बेसिक साइंस जो है बेसिकली वो सब्जेक्ट्स हैं जो हमें फर्स्ट प्रॉफ और सेकेंड प्रॉफ में पढ़ाए जाते हैं। इसमें फॉरेंसिक मेडिसिन को हमने शॉर्ट सब्जेक्ट में इंक्लूड किया है क्योंकि उसका बेसिक साइंस से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। इन सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ने के लिए खास टाइम डिवोट करना ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि जो लॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उनसे ज़्यादा टाइम आपको इनको देना चाहिए। क्यों?
क्योंकि अगर आपके बेसिक और शॉर्ट सब्जेक्ट स्ट्रांग हैं, आप बेसिक और शॉर्ट सब्जेक्ट्स में अच्छा कर गए, तो लॉन्ग सब्जेक्ट्स या मेजर सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें हम सभी चाहे कितनी भी तैयारी करें, वी आर ऑलमोस्ट एट पार। आपके ऑब्स गायनी में 25 सवाल पूछे जाने हैं। अगर आपको ऑब्स गायनी की बेसिक नॉलेज भी है तो आप 15 से 20 क्वेश्चन कर पाएंगे। दूसरा बंदा जिसने बहुत अच्छे से तैयारी करी है वो ऑब्स गायनी के शायद 20 से 22 क्वेश्चन कर दे, आपसे 5-6 क्वेश्चन ज़्यादा कर दे। 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उसको भी नहीं आते होंगे और आपको भी नहीं आते होंगे। तो अगर आप शॉर्ट और बेसिक साइंस में अच्छा कर गए, क्योंकि इनको कंप्लीट करना आसान है, मेडिसिन को कंप्लीट करना कभी पॉसिबल नहीं होता, ऑब्स गायनी को कंप्लीट करना कभी पॉसिबल नहीं है, पीडियाट्रिक्स को कंप्लीट करना कभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन शॉर्ट सब्जेक्ट को कंप्लीट किया जा सकता है, बेसिक साइंस के सब्जेक्ट को कंप्लीट किया जा सकता है। बेसिक साइंस में आप सबसे पहले अपने प्रॉफ के ऑर्डर के हिसाब से चलें, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको अप टू डेट नॉलेज भी चाहिए। आज जैसे कि नई ड्रग्स आती हैं मार्केट में, या 2017 में कुछ ड्रग्स आई हैं, फॉर एग्जाम्पल डेनुसुमैब। डेनुसुमैब एक ड्रग है जो कि जायंट सेल ट्यूमर के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। 2017 में ऐसी बहुत सी फार्माकोलॉजी कंपनियां आई हैं जिन्होंने डेनुसुमैब को इंट्रोड्यूस किया है, डेनुसुमैब को इंडिया में लेके आए हैं। तो डेनुसुमैब पे क्वेश्चन आना इस साल स्वाभाविक है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें फार्माकोलॉजी या PSM जैसे सब्जेक्ट्स में। PSM के बारे में बात करूंगा या मेजर सब्जेक्ट्स की बात करूंगा। पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनकी नॉलेज मोर और लेस सेम रहती है, और ये आपको टेक्स्ट बुक से, रेफरेंस से, जो लेटेस्ट एडिशन हो टेक्स्ट बुक का उससे आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब लास्ट हमारे आते हैं लॉन्ग सब्जेक्ट्स। लॉन्ग सब्जेक्ट से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि बेसिक साइंस के सब्जेक्ट्स में टाइम कितना डिवोट करना चाहिए। हमने बात करी थी शॉर्ट सब्जेक्ट्स में आपको 6 घंटे से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए एक सब्जेक्ट में। बेसिक साइंस में अगर आप दिन में, एक दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं, 10 से 12 घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो आपको 1.5 दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। यानी कि आपको एक बेसिक साइंस का सब्जेक्ट 12 से 18 घंटे में ख़त्म कर देना होता है। अगर हम देखें कि बेसिक साइंस के हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स हैं तो 10 दिन में आपकी बेसिक साइंस ख़त्म हो जानी चाहिए, यानी कि 5 दिन में आपने किए शॉर्ट सब्जेक्ट्स और आगे आने वाले 10 दिन में आपने के लिए बेसिक साइंस के सब्जेक्ट्स, यानी कि 8 और 6 14 सब्जेक्ट्स आपने कर लिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चल गया कि अब मेरे सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स बाकी हैं, अब मेरा 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। लेकिन एक्चुअली में